हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि ब्रेकअप के बाद कैसे रिलेशनशिप को हील किया जा सकता है, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हील करोगे बाय होपोनोपोनो। ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, माय नेम इज लक्ष्मी भौमिक, आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच एंड हीलर। एंड आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया या फिर कोई रिलेशनशिप खराब हो गया, डैमेज हो गया, और आप अभी डेस्परेट हो उस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट मी टेल यू फर्स्ट, जो पहला स्टेप होगा ब्रेकअप के बाद वो ये है कि आपको खुद की हीलिंग करनी है, आपको रिलैक्स होना है, पहले खुद की हीलिंग करना है। बिकॉज रिलेशनशिप एक दिन में ख़राब नहीं होता है, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस, काफ़ी सारे नेगेटिव एनर्जी आने के बाद फिर वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है। तो आपको वो एनर्जी क्लियर करना है, रूट कॉज में जाके उसको हील करना है। आप खुद से पूछो, अगर आप रूट कॉज हील नहीं करोगे और डेस्परेट होके उस रिलेशनशिप के पीछे भागोगे, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं। अगर वो पैटर्न पे हम काम नहीं करते, उस रूट कॉज में हम काम नहीं करेंगे, तो एक साल बाद, पाँच साल बाद भी वैसे ही सिचुएशन रहेगा, आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे और ऐसे ही स्ट्रगल करोगे अपने रिलेशनशिप में। तो पहला स्टेप जो है अपने आप को हील करना है। आप जब खुद को हील करोगे, वो सारे इमोशन रिलीज करोगे जो उस पर्सन के लिए अभी चल रहा है आपके मन में, इस सिचुएशन को लेके अभी आपके मन में चल रहा है जो भी नेगेटिव इमोशंस लाइक हर्ट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, फीलिंग लो, फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग इग्नोर्ड, ना जाने और कितने सारे इमोशंस हैं जिसके साथ आप जी रहे हो अभी। एंड अगर इतने सारे इमोशन अंदर चल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी इतना ही ज़्यादा डाउन है, तो आप कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे? किसी के पीछे भागने से या कोई रिलेशनशिप के पीछे भागने से वो अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर वो अट्रैक्ट कर भी लेते हो बिकॉज ऑफ योर पैटर्न, दिस एनर्जी, ये सिचुएशन फिर से आ सकता है आपके लाइफ में, तो क्या आप बार बार पीछे पीछे भागोगे, बार बार उस रिलेशनशिप को हील करोगे? नहीं। फर्स्ट स्टेप है खुद को हील करना, उसके बाद उन सारे इमोशन को हील करना है। एडवांस होपोनोपोनो से, मैं हमेशा अपने एडवांस क्लास में एडवांस होपोनोपोनो के जरिए वो सारे इमोशन हील करती हूँ जो आपके अंदर चल रहा है उस रिलेशनशिप को लेके, उस पर्सन को लेके। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो आपको वो पहले करना है। उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके इमोशंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप होपोनोपोनो करोगे उस पर्सन के लिए, ताकि आपके और उसके बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है, वो आप क्लियर कर सको। अब क्लियरेंस के बाद अगर आप दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच होता है और वो इंसान आपके लिए सही होता है, तो वापस आ जाएगा। कोई भी कोच, कोई भी हीलर आपको नहीं बोलेगा कि आप मेरा सेशन अटेंड कर लो, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाएगा, मैं उसको ला के दूंगा या दूंगी, ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं सीधा ये बोलती हूँ कि मुझे आपको हील करना है, रूट कॉज हील करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से इमोशन की वजह से आप ये सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, मुझे वो हील करना है। अगर वो आप हील करना चाहते हो, आप तभी आओ मेरे सेशन में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा। आप बेस्ट डिजर्व करते हो, अगर वो बेस्ट है आपके पास आएगा, आप दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा, आपके पास आएगा। अगर आपने आप दोनों के बीच में सारा ब्लॉकेजेस क्लियर कर लगो, तो वो वापस आएगा। तो ऐसे आपको पहले हीलिंग शुरू करनी है। तो फर्स्ट खुद को हील करो, उसके बाद रिलेशनशिप को हील करो। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे। आप जिसको भी, जिसके साथ भी अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हो एट दिस मोमेंट, आप उनके लिए वो हीलिंग करोगे अभी मेरे साथ। लेट्स प्रैक्टिस। पहले तो आपको आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स होना है। टेक ए डीप ब्रीथ, क्लोज योर आइज, हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड स्माइल एंड इमेजिन दैट पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने ही बैठा है या बैठी है जिसके साथ आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हो। नाउ टेक दैट पर्सन्स नेम एंड से, आई एम रियली सॉरी, जाने अनजाने में अगर मैंने आपको हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी अगर कभी भी मेरी गलतियों की वजह से आप हर्ट हुए, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आपके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं किए, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैंने कभी भी आपको जज किया, क्रिटिसाइज़ किया,
टेक दैट पर्सन्स नेम एंड से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, फॉर बीइंग माय बेस्ट लाइफ पार्टनर. थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए. आई लव यू, आई रियली लव यू. आई प्रॉमिस फ्रॉम नाउ आई विल लव यू द वे यू आर. I will accept you the way you are. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath. Slowly open your eyes. Now check. Instantly, you will feel relaxed. आपको अच्छा लग रहा है अभी. आपके अंदर होप आया है कि मैं रिलेशनशिप हील कर सकती हूँ, सब ठीक हो सकता है. इफ यस, देन आप सही जा रहे हो. दिस कमिंग वेडनेसडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मास्टर हीलिंग ऑन रिलेशनशिप फॉर नेक्स्ट वन वीक. वेडनेसडे से मैं मास्टर हीलिंग करने वाली हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप हीलिंग फॉर नेक्स्ट वन वीक. अगर आपको लगता है कि यू नीड माई हेल्प और आप एडवांस होपोनोपोनो से पहले खुद की हीलिंग करना चाहते हो, फिर रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, देन प्लीज़ ज्वाइन माई सेशन. डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट जस्ट वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. जस्ट ज्वाइन द सेशन एंड क्रिएट मैजिक, अट्रैक्ट मैजिक, अट्रैक्ट योर रिलेशनशिप्स बिकॉज यू डिजर्व इट. कोई भी रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, कोई भी रिलेशनशिप अगर आप हील करना चाहते हो, तो यू कैन जॉइन माय मास्टर हीलिंग सेशन फ्रॉम वेडनेसडे, रिलेशनशिप हीलिंग ओनली फॉर वन वीक. अगर आपको ज्वाइन करना है, प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो मैं शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी विल शेयर द डिटेल्स ऑफ सेशन. यू कैन जॉइन फ्रॉम वेडनेसडे टू हील योर रिलेशनशिप. बिकॉज अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो बाकी सब अगर आपने अचीव कर भी लिया तो क्या फ़ायदा, कि आप खुश रह पाओगे विदाउट योर रिलेशनशिप्स? नो, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आपको लगता है कि यू नीड माई हेल्प, डेफिनेटली कम टू माई सेशन, ज्वाइन माई सेशन. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस Ho'oponopono whenever you feel low about your relationship. Okay, like this video, share this video with your loved ones, subscribe my channel and hit the bell icon taki jab bhi main next video upload karu aapko direct notification mil jaye. Till then, take care, keep smiling, keep practicing and accept people the way they are. Love you all. Bye bye.